पैरों में पसीना आना आम है। गर्मियों के दिनों में तो सभी को पसीना आता है, लेकिन अगर आपको अचानक से पैरों के तलवों में पसीना आने लगे तो ये गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। पैरों के तलवे में पसीना आना सामान्य नहीं है, ये बीमारियों की वजह बन सकता है। तलवों के साथ अंडरआर्म, हथेलियां और पीठ में भी पसीना बीमारियों का संकेत है। इसे वक्त पर पहचानकर देखभाल करना जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अचानक से तलवों में पसीना आना किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। डायबिटीज। पैरों के तलवे में पसीना आना डायबिटीज का लक्षण होता है। इसमें शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और पैरों में पसीना आता है। अगर आपको कुछ खाने के बाद अचानक पैरों के तलवे में पसीना आए तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से संपर्क कर शुगर की जांच करवाएं। हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने की वजह से अक्सर पैरों के तलवों में पसीना आता है। अगर आपको घबराहट के साथ पैरों में पसीना दिखाई दे, पसीने से तलवे ठंडे पड़ जाएं तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है। हार्ट अटैक के पहले भी ये लक्षण दिखाई देता है। सीने में दर्द के साथ भी अगर पसीना आए तो हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। मेनोपॉज। जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद होने पर आता है तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज से पहले घबराहट के साथ पैरों के तलवे में पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई देना आम है। अगर महिलाओं में 40 की उम्र के बाद लगातार ऐसे लक्षण दिखे तो मेनोपॉज का संकेत हो सकता है। थायराइड। थायराइड होने पर शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें से पैरों में पसीना आना भी एक लक्षण है। थायराइड एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण वक्त रहते समझ लिए जाएं और इलाज शुरू कर दिया जाए तो गंभीर होने से रोका जा सकता है। अन्य बीमारियां। पैरों के तलवे में पसीना आने की कई और वजह हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से भी तलवों में पसीना आ सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फेफड़ों में दिक्कत होने, दवाइयों का ज्यादा सेवन या फिर स्ट्रोक की वजह से भी पैरों के तलवों में पसीना आ सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।